हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनी वीडियो। माय नेम इज शुभम और ये है हमारे पास बजाज चेतक का नया मॉडल जो कि अभी लॉन्च कर दिया है और काफ़ी कम प्राइस में। एक्चुअली 1 लाख रुपए इसका एक्सशोरूम प्राइस है, जिसमें कलर काफ़ी बढ़िया बढ़िया है। एक तो ये रेड कलर और ये कितना सुंदर लग रहा है, देख रहे हो। अब इसके बाजू में मेरे पास है ना एक अर्बन मॉडल खड़ा हुआ है, तो मैं बताऊँगा कि इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं मेन अभी ये नए वाले में। और पिछले जो मॉडल आए थे अर्बन हो गया और अर्बन प्रीमियम के ऊपर जाओगे तो वो 1,60,000 का पड़ता है, ये पड़ेगा 1,40,000 का। एंड इसका प्राइस है वैसे तो एक्स शोरूम 1 लाख रुपये है, वैसे 99,998 समथिंग है, 1 लाख मान लो, लेकिन ऑन रोड जाते जाते ये पड़ जाता है आपको 1,15,000, 1,15,000 भी नहीं, 1,14,700 समथिंग कुछ पड़ता है, बट 1,15,000 आप मान के चलो कि लमसम इतना आपको पड़ने वाला है। वैसे डिफरेंसेज मैं आपको दिखाऊँगा इसके अंदर कि कौन कौन से डिफरेंस है इसके अंदर एक्चुअली में, एंड क्यों आपको ये परचेज करना चाहिए और क्या क्या डिफरेंस इन्होंने करके दिया है, क्यों इतना कम में दे रहे हैं एंड क्या क्या चीज़ें हैं। भाई उससे पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर लो और फॉलो जरूर कर लेना, सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले तो लुक की बात करते हैं। लुक में देखने में पूरा सेम है एंड डायमेंशन में पूरा सेम है, सीट्स और सब कुछ एकदम सेम है, पीछे से भी सब कुछ क्लियर एकदम सेम है, ठीक है, आप चेक कर सकते हो। वेट भी जो है दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही है, बस ये थोड़ा हल्का है बिकॉज थोड़ी बहुत चीज़ें इसके अंदर से निकली हैं, तो अराउंड 128 kg का ये आएगा, उससे थोड़ा भारी ये आ जाएगा। बिकॉज आप देखो अगर स्कूटर सेगमेंट में मानो एथर और ओला से थोड़ा कंपेयर करो तो दिस इज़ वेरी हैवी स्कूटर और लंबा भी काफ़ी लगता है। इसमें एक येलो कलर भी आता है, देखो दिखाऊँ मैं वो रहा, देखिए येलो कलर भी है जो कि बहुत मस्त लगता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर पूरा स्टॉक पड़ा हुआ है गाड़ी का, बट मुझे रेड वाला काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। अब यहाँ पर मैं आपको पीछे से स्टॉक बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें चेंजेस हैं इसके अंदर। देखो मोटर में थोड़ा चेंज है, इसके अंदर जो मोटर आती है वो आती है अराउंड 4 kW की और इसके अंदर जो मोटर आती है वो अराउंड आएगी 3 kW की। बैटरी इसके अंदर 2.9 kWh की आती है और इसके अंदर भी आपको 2.9 kWh की ही बैटरी मिलेगी, मतलब बैटरी पैक दोनों का सेम ही मिल रहा है और बस मोटर में थोड़ा फर्क है। इसमें 1 kWh की पावर जो है आपको कम मिलेगी देखने के लिए। अब यहाँ पर आपको सारे जो फंक्शन वगैरह दिखने को मिलते हैं सब LED तो है ही, जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा प्रीमियमनेस थोड़ा अलग अलग का काइंड ऑफ है, इसमें कलर के हिसाब से थोड़ा अलग है। इसमें आपको रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिलेगा, सेम चीज़ है। अब यहाँ पर चेंज ये किया गया है, सिर्फ ये जो आपको ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिल रहे हैं इसके अंदर एकदम सीधा दे दिया है और इसके अंदर थोड़ा सा प्रीमियम अलग मिल जाता है, यहाँ से भी ग्रैब कर सकते हो, ये भी पकड़ सकते हो, थोड़ा अलग दिया हुआ है। सीट दोनों की एकदम सेम है, सेम मतलब सेम ही दी हुई है। अब सीट के अंदर सिर्फ एक छोटा सा चेंज ये है कि यहाँ पर आपको 3 kW तक का आप यहाँ पर हुक मिल जाता था जो कि सीट के अंदर दिया हुआ था, वो यहाँ नहीं दिया हुआ था, वो यहाँ से हट के आपको यहाँ दे दिया गया। अब यहाँ पर आ ही गए तो यहाँ पर पूरा प्लेन दिया हुआ है, यहाँ पर एक स्पेस दिया हुआ है और एक यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है चार्जिंग सॉकेट के साथ में, ठीक है। अब वो यहाँ पर आपको पूरा बंद होकर मिलता है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है इसमें जो कीलेस एंट्री आती है, ठीक है, यहाँ पर आपकी की मिल जाएगी एंड यहाँ पर आपको बटन मिलता है, इसके थ्रू आप इसे ऑन कर सकते हो। जैसे कि इसकी स्क्रीन है ना, यहाँ पर भी सेम स्क्रीन है, वही आपको यहाँ पर भी मिलेगी सारे। इसमें टैग पैक ले सकते हो 3,000 रुपये एक्स्ट्रा डाल के, तब इसके आप इसका रिवर्स मोड वगैरह आप एक्सेस कर सकते हो। टैग पैक 3,000 में आपका लाइफ टाइम मिल जाएगा, लेकिन इसके टैग पैक में पैक इसका अगर लेते हो तो 8,000 रुपये का कुछ 5 साल के लिए मिलता है। तो ये चीज़ है दोनों में फ़र्क। अब यहाँ पर मैंने की तो बता ही थी कि की इसके अंदर आपका जो ये थोड़ा वैसा मिल जाता है और यहाँ पर आपको एक फ़िज़िकल की मिल जाएगा जो इजीली जो नॉर्मल IC व्हीकल जो एक्टिव वगैरह में आता है वैसा आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर ये जो चीज़ है आप यहाँ से चेक कर सकते हो, इसको मैंने ओपन कर दूँगा और ये ओपन हो गया। तो फर्स्ट एड किट वगैरह चार्जिंग सॉकेट वगैरह आपको यहाँ मिलेगा क्योंकि फुल पैक वगैरह मिलेगा, ठीक है। रेंज की बात करें तो दोनों के अंदर थोड़ी डिफरेंस है रेंज में, थोड़ा सरप्राइजिंग हो सकता है बिकॉज इसका जो अर्बन वाला अगर आप देखोगे तो अर्बन में रेंज आएगी आपकी 113 किलोमीटर की IDC रेंज एंड इसके अंदर थोड़ी रेंज बढ़ जाएगी जो कि है 123 किलोमीटर। अब वो क्यों है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो मोटर है वो है 3 kW की और इसके अंदर 4 kW की मोटर है, जो कि अगर आप बैटरी सेम है लेकिन मोटर में थोड़ा पावर है तो थोड़ी ज़्यादा पावर लेने की वजह से इसमें थोड़ी रेंज आपको थोड़ी कम मिलेगी, इसमें थोड़ी ज़्यादा मिल जाएगी। लेकिन आप ऑन रोड जाओगे तो मे भी शायद 100-110 तक की जो आपको रेंज देने ही वाले हैं, तो इतना कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो ये चीज़ थोड़ा इसके अंदर डिफरेंसेस है। 63 की टॉप स्पीड आती है इसके अंदर, अगर आप टैग पैक लेते हो 73 तक की टॉप स्पीड आप ले सकते हो अर्बन के अंदर, और इसके अंदर आपको 63 की ही लिमिटेड रहेगी टैग पैक लेते हो तो भी। तो टैग पैक के अंदर मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। जैसे अगर अर्बन में लेते हो तो 5 ईयर्स तक की आपको ड्यूरेशन रहेगा
8000 रुपीज़ का पैकेज रहेगा इसका। इसके अंदर अब एक्सटेंडेड वारंटी आ जाएगी 5 ईयर्स और 70,000 किलोमीटर तक की इसके अंदर, और इसके अंदर भी आपको सेम टैग पैक में सेम चीज़ें मिल जाएंगी। और ये जो टैग पैक की वाली भी मैं बता रहा हूँ, ये सोनो के अंदर सेम मिलेगा, जैसे कि आपको रोड साइड असिस्टेंट मिल जाएगा, मेन स्टैंड मिल जाएगा और साइड फुटरेस टैग पैक के अंदर, ठीक है। और लाइफ टाइम टैग पैक ड्यूरेशन आपको मैंने बता ही दिया। इको और स्पोर्ट्स मोड अनलॉक हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो इको और स्पोर्ट मोड आ जाएंगे दोनों, एंड टॉप स्पीड तो आपको बताई मैंने कि सेम ही रहेगी। और लिमिट ऐप कनेक्टिविटी की बात करें तो इसके अंदर अगर आप लेते हो तो लाइफ टाइम रहती है और इसके अंदर लिमिटेड कनेक्टिविटी रहती है। दोनों का स्टील बॉडी आएगा, तो आप समझ जाओ कि मतलब बस ये है। इसका जो मॉडल का नाम है इसका है 2901 और वो है अपना अर्बेन। तो ये जो चीज़ें हैं मैंने आपको बताई कि आप कौन सा चॉइस कर सकते हो अपने हिसाब से, फिर आप चेक कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो खैर ये एक अच्छी चॉइस है, क्योंकि ओवर आपको कुछ ज़्यादा लेना है नहीं। फिर अर्बन में जाने से अच्छा कि अगर आप ज़्यादा पैसा लगाना चाहते हो तो एक TFT वाला फिर प्रीमियम ले लो। तो प्रीमियम में आप टैग पैक वगैरह लेके बढ़िया चीज़ें उसके अंदर कर सकते हो। तो ये चीज़ें आ गई इसके अंदर, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा एंड ये हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा हो तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर देना तुम्हारे भाई को, जल्दी से 1,00,000 सब्सक्राइबर तक पहुँचाओ तो हम लोग जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे काम कर पाएँ, ठीक है। बाकी कलर वेरियंट आप चेक कर सकते हो, एक ये कलर आ गया और एक ये कलर आ गया है ना, दो एक दो कलर और हैं जो कि मेरे पास अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। एंड अभी ये लॉट उतर ही रहा है यहाँ पे पूरा ये तक का, तो इसके अंदर कौन कौन से है इसमें निकल, ये अर्बन है सारे के सारे, तो अर्बन वाले उतर रहे हैं अभी। ये जो है अभी लिमिटेड ही यहाँ पर अवेलेबल है, आप चाहो तो बुकिंग करा सकते हो चेतक से। वडोदरा के जो शोरूम है ना OP रोड पे, आप वहाँ पर आ सकते हो। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय भोलेनाथ।